जब आप फरवरी मार्च या अप्रैल के महीने में विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सैर कर रहे होंगे, तब आपका बेमिसाल तरीके से स्वागत होने वाला है। जी हाँ, कोई करेगा स्वागत सूरज की किरणों के बीच में से, तो कोई अपना खूबसूरत रंग छिड़क कर, तो कोई अपनी खुशबू फैलाकर। शायद ऐसा स्वागत आपका कहीं किसी ने नहीं किया होगा जैसा एकता नगर में हजारों पलाश वृक्ष करेंगे। पलाश, जिसको अंग्रेजी में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है और गुजराती में केसुड़ा। अपने खूबसूरत और आकर्षक केसरी रंग की वजह से उसे जंगल की ज्योत यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। पलाश के औषधीय गुणों से तो आप वाकिफ होंगे ही, और उसके पुष्पों से आप होली भी खेले होंगे। अब एकता नगर, जो कुदरती स्रोत का खजाना है, वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ दृष्टि और मार्गदर्शन से एकता नगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हजारों पलाश वृक्षों को पहाड़ियों में, जंगलों में धीरे धीरे विकसित किया गया है। इस पर्यावरणीय पावन अवसर पर एकता नगर के सारे पलाश वृक्षों की तरफ से आपको पलाश महोत्सव में भाग लेने का आमंत्रण है, जिसमें आपको बस, ट्रैकिंग और बोट के माध्यम से पलाश टूर करने का मौका मिलेगा। इस टूर में हमने 3 अलग अलग रूट्स तय किए हैं, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के हैं। तो अब आने वाले महीनों में अगर आप एकता नगर में यात्रा कर रहे हैं, तो इस पलाश महोत्सव का हिस्सा जरूर बने और अपने सफर को पलाश आच्छादित बनाएं।